सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेस्ट 5 स्मार्टफोन अंडर 12,000, जहां पे मैंने 5 फोन्स का लिस्ट बनाया और उसमें से जानेंगे कि सबसे बेस्ट फोन आपके लिए कौन सा है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जो मैंने पांचों फोन का लिस्ट बनाया उसमें सबसे पहले उसका प्रोसेसर देखा, फिर उसका कैमरा और ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखते हुए इस पांचों फोन का लिस्ट मैंने बनाया है। जहाँ पे जो हमारा पांचवें नंबर पे फोन है वो रियलमी का नार्जो 20 है, जहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर फोन रहा है लॉन्च के बाद से, बट अभी हमारे पांचवें नंबर पे है। जहाँ पर अगर इस फोन का हम कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये फोन आता है मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर के साथ में, जो काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है इस बजट में, जहाँ पे वो आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। उसके साथ में इसमें आपको मिल जाता है एक 6.52 इंच का एक HD+ डिस्प्ले, जहाँ पे एक फुल HD+ होना चाहिए था, बट तो भी काफ़ी अच्छा आपको डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पे डेप्थ सेंसिंग का कोई कैमरा नहीं है, बट आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट्स देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे उसके साथ में आपको कैमरा में सारे टाइप के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, कोई भी ऑप्शंस का कमी नहीं है, आपको भरपूर ऑप्शंस मिलेंगे फोटोग्राफी के लिए, वीडियोस के लिए इसी फोन में। उसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा नॉच डिजाइन में। और जहां पर अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है, उसके साथ आपको 18W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जा रहा है। तो मीन्स बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग यहाँ पे फोन में काफी कमाल आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे इस फोन में आपको 4GB रैम देखने को मिल जाएगा और अप टू 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसको आप 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट आता है, जहाँ पे आप डुअल सिम के साथ में एक एक्स्ट्रा SD कार्ड भी लगा सकते हो। उसके साथ में इस फोन में आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी रियर माउंटेड पीछे में देखने को मिल जाएगा, तो सिक्योरिटी के मामले में भी कोई कमी नहीं है, यहाँ पे फेस अनलॉक का भी सपोर्ट इस फोन में अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों ऑल ओवर पैकेज रियलमी नार्जो की तरफ से काफी कमाल है, जहाँ पे अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 11,499 यानी कुछ 11,500 रुपये में आपको इसी का 4GB 128 वेरिएंट देखने को मिल रहा है, मतलब 12,000 के अंदर आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जा रहा है। और ये हमारा लिस्ट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, जहाँ पे आपको 12,000 का हमारे लिस्ट में और किसी फ़ोन में इतना ज़्यादा 128GB स्टोरेज देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो दिस फोन इज़ फॉर यू, जहाँ पे आपको एक बड़ी बैटरी भी मिल रही है, एक अच्छा कैमरा भी मिल रहा है, ऑल ओवर पैकेज भी इस प्रोसेसर के साथ में काफ़ी कमाल है, और आप इस फोन में जा सकते हो अगर आपको एक ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो। जहाँ पे उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा अगला फोन में, जो एकदम ऑल न्यू लेटेस्ट फोन है, जो है मोटोरोला G9 पावर, जो कल ही लॉन्च हुआ। जहाँ पे अगर उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये आता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ में। उसके साथ इसमें आपको 6.78 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे एक फुल HD+ होना चाहिए था, बट तो भी काफ़ी बड़ा डिस्प्ले आपको मिल रहा है, जहाँ पे हमारे लिस्ट में आपको किसी और फोन में इतना बड़ा डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद ये फोन लेके आता अपने साथ में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे आपको कोई वाइड एंगल नहीं मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो अवेलेबल है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ देखने को मिल जाएगा। तो वाइड एंगल कैमरा मिसिंग है, बट आपको यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का पंच होल डिजाइन में। जहाँ पे इस फोन में भी आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल रही है विद 20W फास्ट चार्जिंग, तो बैटरी बैकअप काफी कमाल होने वाला है इस फोन का। उसके साथ आपको इस फोन में 4GB रैम देखने को मिल जाएगा, 64GB तक का स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। फिर जाके इसके अगर हम इस फोन की खासियत के बारे में बात करते हैं, ये फोन आता है स्टॉक एंड्रॉयड पे, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट भी जल्दी देखने को मिल जाएगा, बट फिलहाल ये एंड्रॉयड 10 पे आता है और आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलने वाला, एकदम क्लियर स्टॉक एक्सपीरियंस मिलेगा, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला इसी फोन में। और उसके बाद मोटरोला एक नॉन चाइनीज ब्रांड है, तो अगर आपको एक नॉन चाइनीज फोन चाहिए, स्टॉक एंड्रॉयड का भी एक्सपीरियंस चाहिए, 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा चाहिए, एक बड़ी बैटरी चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोन इसी स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ में। यहाँ पे उसके साथ इसमें IP52 का वाटर प्रूफ रेटिंग भी मिल जाता है,
जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी वानी का छीटा मिलेगा तो आपका फ़ोन में कोई प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ऑल ओवर पैकेज यहाँ पे आपको मोटोरोला की तरफ से काफ़ी कमाल बन जाता है, जहाँ पे इस फोन में भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे रियर माउंटेड देखने को मिल जाएगा और इसके साथ आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो बायोमेट्रिक्स में भी इस फोन में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पे अगर फोन की प्राइसिंग की बात करें तो 11,999 यानी कुछ 12,000 रुपये में आपको फोन देखने को मिल जाएगा इसी का 6GB 64 वेरिएंट। तो जो हमारा अगला फोन है तीसरे नंबर पे, वो अगेन Realme की तरफ से Realme 7i। यहाँ पर हम जो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये आता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ में, जो आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा इस बजट में। जहाँ पे उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले, जहाँ पे एक फुल HD+ होना चाहिए था, बट आपको उसके बदले यहाँ 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। तो काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इस फोन में मिल जाएगा। फिर उसके साथ में ये फोन लेके आता है अपने साथ में 64MP का एक क्वाड कैमरा सेटअप, और ये पूरा हमारे लिस्ट में सबसे बेस्ट कैमरा सेटअप इसी में 64MP का क्वाड कैमरा। उसके साथ में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जहां पे उसके साथ में आपको इस फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। तो बैटरी बैकअप भी काफी कमाल इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। जहां पे फोन आता है 4GB रैम के साथ में और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जहां पे ये फोन भी कैमरा में भरपूर ऑप्शंस लेके आता है, सारे टाइप के मोड्स मिल जाएंगे, नाइट मोड से लेके सब टाइप के फोटोज का ऑप्शन आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये फोन लेके आता है अपने साथ USS 2.1 बेस स्टोरेज, जो काफी कमाल बात है, और आपको काफी ज्यादा स्मूथ ट्रांसफर एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा इस फोन में। यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसमें भी आपको एक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे में देखने को मिल जाएगा और उसके साथ फेस अनलॉक का भी ऑप्शन आपको इस फोन में देखने को मिल जा रहा है। तो काफी कमाल पैकेज मिल रहा है, जहाँ पे आपको इस फोन से फास्टर रिफ्रेश रेट वाला कोई भी फोन इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट सारे के सारे एक नॉर्मल डिस्प्ले, और ये एक लौता फोन है हमारे लिस्ट जो एक फास्टर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले अपने साथ लेके आता है। जहां पर अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो कुछ 11,999 रुपीज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 12,000 में ये भी Realme की तरफ से काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। यहाँ पे अगर आपको 64MP का कैमरा चाहिए, फिर एक फास्टर रिफ्रेश डिस्प्ले चाहिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर 662 चाहिए, तो ऑल ओवर पैकेज इस बजट में काफी कमाल बन जाता है, जिसके लिए हमारा तीसरे नंबर पे है। जहां पे उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा दूसरा नंबर वाला फोन पे, जो है Redmi का Note 9। जहाँ पे अगर उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो वो अपने साथ लेके आता है MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर, जो आपको काफी कमाल परफॉर्मेंस दे देगा। उसके साथ में इसमें आपको 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, और अभी तक सब में HD+ था, फाइनली हमें एक फोन में फुल HD+ डिस्प्ले यहाँ देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ इस फोन में आपको एक 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, पोर्ट्रेट और एक नॉर्मल 48MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ में 13MP का सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा पंच होल डिजाइन में। जहाँ पे फोन अपने साथ लेके आता है 5020mAh का एक बड़ी बैटरी, उसके साथ में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बॉक्स में आपको 22.5W का चार्जर मिल रहा है, बट 18W तक ही फोन सपोर्ट करता है। उसके साथ आपको इस फोन में 4GB ऑफ रैम मिल जाएगा, 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा आपको अपने बजट सेगमेंट में। जहां पर अगर इस फोन की भी हम बायोमेट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये भी अपने साथ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके आ जाता है पीछे रियर माउंटेड। उसके साथ आपको इसमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो बायोमेट्रिक्स के मामले में भी इसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पर अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो कुछ 11,999 रुपीज में कुछ 12,000 रुपए में आपको फोन देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे ऑल ओवर पैकेज काफी कमाल है। G85 जितना पावरफुल प्रोसेसर, 48 का क्वाड कैमरा, एक बड़ा फुल HD+ डिस्प्ले जो इस फोन का खासियत है। जहाँ पे हमारे लिस्ट में अभी तक तीनों ही फोन में सिर्फ एक नॉर्मल HD+ डिस्प्ले था, तो आपको कंटेंट कंजम्पशन के मामले में काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसी फोन में। जहाँ पे आप इस फोन में भी अपना स्टोरेज को 512GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि ये आता है एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ में। यहाँ पे आपको इसके भी कैमरा में भरपूर ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा टिपिकल Xiaomi स्टाइलिंग में, जहाँ पे आप अलग अलग स्टाइल में अपनी फोटोज को खींच सकते हो। तो ये काफी अच्छा पैकेज बन जाता है अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, जहाँ पे आपको एक अच्छा डिस्प्ले, अच्छा कैमरा, अच्छा बैटरी, तो ये सब अपने साथ लेके आता है। तो उसके बाद हम बढ़ते फाइनली हमारा नंबर वन फोन पे, जो है हमारा मेड इन इंडिया फोन माइक्रोमैक्स IN Note 1, जहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है अपने लॉन्च के बाद में। जहां पर अगर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये अपने साथ लेके आता है MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर, जो आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा इसी फोन में। जहां पे ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज है इस फोन में, तो आपको गेमिंग का भी एक डिसेंट एक्सपीरियंस मिल जाएगा इसी फोन में। उसके साथ इसमें आपको मिल जाएगा 6.67 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले, ये हमारा दूसरा फोन है लिस्ट का जो एक फुल HD+ डिस्प्ले के साथ में आता है, तो वो काफी अच्छी बात है। जहाँ पे इसमें आपको 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, जहाँ पे आपको
5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में ये लेके आ रहे 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेल्फी कैमरा, आपका पंच होल डिजाइन एकदम सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ इसमें आपको मिल जाएगा 5000 mAh की बड़ी बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग, जहां पे आपको इस फोन में भी एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं होगा, काफी ज्यादा सिंपल और क्लियर एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस फोन में। और उसके बाद ये भी एक मेड इन इंडिया फोन है, इंडिया का ही ब्रांड है। यहाँ पे आपको एक नॉन चाइनीज फोन चाहिए, एक आत्मनिर्भर भारत का फोन चाहिए, तो दिस फोन इज फॉर यू। जहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल फोन है माइक्रोमैक्स की तरफ से, और ये हमारा लिस्ट का नंबर वन फोन बन जाता है, जहाँ पे इसका प्राइसिंग भी काफी ज्यादा कमाल है। जहाँ पे आपको 4GB 64 के लिए सिर्फ 10,999 यानी सिर्फ 11,000 रुपए देखने को मिलेगा, और ये हमारे पूरे लिस्ट का सबसे सस्ता फोन है, जहाँ पे आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है। इनफैक्ट बायोमेट्रिक्स का भी इस फोन में कोई कमी नहीं है, जहाँ पे आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर माउंटेड पीछे देखने को मिल जा रहा है, और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन लेके आता है। यहाँ पे 11,000 रुपए में अपने साथ एक फुल HD+ डिस्प्ले भी लेके आता है, फिर हेलियो G85 जितना पावरफुल प्रोसेसर, फिर एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, तो ये ऑल ओवर पैकेज मिला के हमारा नंबर वन फोन बन जाता है। यहाँ पे अगर आपका बजट 12,000 रुपए है तो आपको ऑब्वियसली इसी फोन पे जाना चाहिए, जहाँ पे सारे के सारे इसके फीचर्स कमाल है। बट आपको कुछ और भी ऑप्शंस मैंने दिखा दिए, जहाँ पे आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन है, आपको ज्यादा बेटर कैमरा चाहिए तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है इसी 12,000 के बजट में। तो यही सब थी हमारे पांचों फोन की कहानी इसी 12,000 के बजट सेगमेंट में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आपके थॉट्स इसी पांचों फोन के बारे में, और कुछ सजेशंस भी आप नीचे ड्रॉप कर सकते हो, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन दबा देना, क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियोस आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।